यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 से बचने के लिए नई मुहिम शुरू की गई है। इसे लेकर देहरादून सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना के निर्देशों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि कर्मचारी खुद को कोरोना से बचाकर रखें, जिससे वो खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। उधर विधानसभा परिसर में भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, तो सीएम त्रिवेंद्र रावत ने यह सौगंध दिलाई, कोविड नियमों के पालन करने की ये सौगंध दिलाई। इसके तहत इस शपथ में ये कहा गया कि खुद भी कोरोना से सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर सचिवालय में कार्यक्रम की है तो दूसरी विधानसभा में भी ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान खुद को भी कोरोना से सुरक्षित रखने और दूसरों को भी सुरक्षित रखने की शपथ दिलाई गई। कोविड की जो कोविड महामारी है, उसको लेकर सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। आजकल जो आंकड़े आ रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ सुकून देने वाले हैं, लेकिन अगर लापरवाही हमने बरती तो कभी भी ये समस्या विकराल हो सकती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों को आह्वान किया कि हम सतर्क रहें, हम स्वयं जागरूक रहें, अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें। जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि बचाव ही इसका उपाय है, उस प्रकार के 6 सूत्री जो शपथ है हमने ली है, और मैंने तो अनुरोध किया है सभी से, इसके साथ साथ आप अपने को भी बचा के रखें, परिवार को बचा के रखें, समाज को बचा के रखें, तभी इसी से हम लोग बच सकते हैं। उधर विधानसभा परिसर में भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, तो सीएम त्रिवेंद्र रावत ने यह सौगंध दिलाई, कोविड नियमों के पालन करने की ये सौगंध दिलाई। इसके तहत इस शपथ में ये कहा गया कि खुद भी कोरोना से सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर सचिवालय में कार्यक्रम की है तो दूसरी विधानसभा में भी ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान खुद को भी कोरोना से सुरक्षित रखने और दूसरों को भी सुरक्षित रखने की शपथ दिलाई गई। कोविड की जो कोविड महामारी है, उसको लेकर सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। आजकल जो आंकड़े आ रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ सुकून देने वाले हैं, लेकिन अगर लापरवाही हमने बरती तो कभी भी ये समस्या विकराल हो सकती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों को आह्वान किया कि हम सतर्क रहें, हम स्वयं जागरूक रहें, अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें। जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि बचाव ही इसका उपाय है, उस प्रकार के 6 सूत्री जो शपथ है हमने ली है, और मैंने तो अनुरोध किया है सभी से, इसके साथ साथ आप अपने को भी बचा के रखें, परिवार को बचा के रखें, समाज को बचा के रखें, तभी इसी से हम लोग बच सकते हैं।